हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 12th का। चैप्टर नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसके प्रिंसिपल ब्रांच में रेंज के उसकी एक ऐसी वैल्यू जो उसके रेंज के प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट करता हो। तो प्रिंसिपल ब्रांच कौन सा होगा रेंज का, वो हम इस टेबल से देखेंगे। ये टेबल हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। जैसे साइन इनवर्स का फंक्शन होगा तो उसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होगी -π/2 से π/2 होगा। ऐसे कॉस वाले के लिए 0 से π होगा, कॉसेक के लिए -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए 0 नहीं होगा। तो इस टेबल से हमें इसको याद करना है। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो साइन वाला है साइन इनवर्स, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक इनवर्स, और इसके साथ ही टेन इनवर्स, इन तीनों के लिए हमें बस ये याद रखना है क्या होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक का होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज बच रही है वो तीन और कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो कॉस इनवर्स बच रहा है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक इनवर्स, और इसके अलावा कॉट इनवर्स। इनके लिए हमें क्या याद रखना है कि ये 0 से लेकर के कहां तक होंगे पाई तक होंगे। तो 0 से π का क्या मतलब है कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा या फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और ये -π/2 से π/2 वाला क्या था, ये -π/2, ये 0 और ये पाई, तो ये तो फर्स्ट में पड़ेगा या फिर फोर्थ में पड़ेगा। तो इतनी बातें हमें इसमें ध्यान में रखने वाली है, तो ये याद रहेगा तुम्हें। अब इसके बाद देखो, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसके क्वेश्चन करने के लिए जो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालना पड़ा था 0 से लेकर के 360 तक या उससे अबव वैल्यू निकालने के लिए साइन कॉस टेन, वो हमें पता होना जरूरी है। अगर वो नहीं पता तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद इस चैप्टर को करना। जैसे पहला है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स 1/√2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम साइन लेंगे, तो इधर क्या मिलेगा साइन y इक्वल टू साइन, और फिर क्या था साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब ये जब भी साइन और साइन इनवर्स अगर एक साथ आ रहा हो, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए ऐसे समझो, तो ये क्या बचेगा 1/√2। तो ये साइन वाई की वैल्यू मिली। अब आगे से हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप ना लिख करके हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है, कि साइन इधर आएगा तो ये इनवर्स हमारा हट जाएगा। तो साइन वाई इक्वल टू 1/√2। अब साइन के लिए जो रेंज था हमारे पास क्या था, -π/2 से लेकर के π/2 तक था। तो यहां पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं और साइन यहां पे निगेटिव होगा, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव वाली है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डायरेक्टली जाते हैं 0+ करके, तो ये साइन में किसकी वैल्यू है 45 की वैल्यू है, तो साइन π/4 हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो गई साइन वाई की। अब दोनों तरफ से साइन कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा π/4। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। तो इसमें भी वाई इक्वल टू हम सपोज करेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। सबसे पहले कॉट लेंगे तो कॉट वाई इक्वल टू इधर आ जाएगा -1/√3। अब कॉट के लिए जो रेंज था वो 0 से लेकर के π तक था, चूंकि ये कॉट निगेटिव में है तो निगेटिव हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे कॉट हमारा निगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं, पाई माइनस करके जाते हैं। तो ये कॉट में किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, 60 का मतलब π/3 से है, तो ये कॉट में 60 की वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे कॉट पाई -π/3, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 2π/3, और इधर हमारे पास क्या था कॉट वाई, तो यहां से हमें वाई इक्वल टू क्या मिला 2π/3। तो ये वैल्यू हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3।
ये एक तरीका है, इसके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखो, अब एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन, सेम तरीका वैसे जैसे अभी हम करते आए, वाई इक्वल टू सपोज करेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या था, -1/2। अब दोनों तरफ का साइन लोगे तो साइन वाई इक्वल टू -1/2। अब साइन -1/2 को हम क्या लिखेंगे, साइन में सबसे पहले रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक निगेटिव है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम डायरेक्टली क्या आते हैं, 0 माइनस 0 माइनस, ये साइन में किसकी वैल्यू है, 30 की। 30 मतलब π/6, तो 0 माइनस π/6 मतलब π/-π/6, तो 0 माइनस π/6, 30 की वैल्यू हो गई, ये साइन वाई आ गया। तो ये वाई इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, -π/6, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो, कॉस -√3/2। फिर वही सेम तरीका, इसको फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हो तुम अपने मन से, जहां नहीं आया, जहां प्रॉब्लम हो वहां से इसको देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इक्वल टू हम सपोज कर रहे हैं कॉस इनवर्स -√3/2। तो यहां से कॉस लोगे तो कॉस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, √3/2। अब कॉस का फिर से रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π तक, पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस में ये √3/2, 30 की वैल्यू होगी, 30 का मतलब π/6, तो ये कॉस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, π/6। तो वाई इक्वल टू क्या मिला हमें, कंपेयर करेंगे π/6, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। तो लेट वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं वाई कॉसेक इनवर्स 2। तो दोनों तरफ का कॉसेक अगर हम लेंगे तो कॉसेक वाई इक्वल टू, इधर से कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये कॉसेक में 2 की वैल्यू, ठीक है। फिर कॉसेक के लिए रेंज -π/2 से +π/2 तक, पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉसेक ये किसकी वैल्यू है, साइन में देखोगे तो 1/2, 30 की वैल्यू होगी, तो ये 30 होगा, 30 का मतलब π/6, तो ये हो गया कॉसेक वाई। तो वाई इक्वल टू यहां से क्या मिला, π/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4th में आते हैं। 4th है टेन इनवर्स -√3। तो y इक्वल टू सपोज किया हमने टेन इनवर्स -√3, दोनों तरफ का टेन लो तो ये हो गया टेन वाई इक्वल टू, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हुआ, -√3। तो टेन नेगेटिव में सबसे पहले टेन का रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में किसी में आ सकता है, नेगेटिव है इसलिए वो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 0 में से डायरेक्टली माइनस करके। तो टेन रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, 10 में 60 की, 60 मतलब π/3, तो 0 माइनस π/3, तो ये हो गया टेन -π/3, ये हो गया टेन वाई की वैल्यू। तो वाई इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, -π/3, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, -π/3। अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 दिया कॉस इनवर्स -1/2। लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, दोनों तरफ का कॉस ले लो, कॉस वाई इक्वल टू -1/2। तो फिर कॉस का रेंज 0 से लेकर के π तक, नेगेटिव होने के कारण ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस, अब ये कॉस में किसकी वैल्यू है, 1/2, 60 की वैल्यू है, तो π/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस पाई -π/3। ये क्या हो गया, कॉस 3π में से पाई गया 2π/3, ये हो गया कॉस वाई की वैल्यू। तो यहां से वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 2π/3, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास इसकी।
ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में देखो कौन सा है, फाइव था ये, सिक्स क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस वन। फिर से लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का वन, दोनों तरफ का टेन, टेन वाई इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो टेन और टेन इनवर्स माइनस वन। टेन और टेन इनवर्स जब एक साथ आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही तुम्हें डायरेक्ट लिखना मैं बता रहा था कि इसके बाद इसको डायरेक्ट लिखा करो, तो टेन वाई हो गया। अब टेन के लिए फिर से रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पाई बाई फोर का वन होता है, तो माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो गया टेन वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आया, माइनस पाई बाई फोर, तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री। तो लेट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, तो दोनों तरफ का सेक ले लो, सेक वाई इक्वल टू टू बाई रूट थ्री, तो सेक में टू बाई रूट थ्री वैल्यू होती है 30 की, तो इसको लिख देंगे सेक 30, 30 मतलब पाई बाई सिक्स। ऐसा क्यों किया, पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेक का रेंज था 0 से पाई के लिए, तो ये वैल्यू हो गई सेक वाई, तो यहां से वाई इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, पाई बाई सिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो लेट वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट थ्री, सबसे पहले कॉट लेंगे दोनों तरफ, तो कॉट वाई इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, रूट थ्री, तो पॉजिटिव है और कॉट का रेंज 0 to π, पॉजिटिव होने के लिए किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में डायरेक्टली कॉट में ये रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 30 की, 30 मतलब पाई बाई सिक्स, तो ये हो गया कॉट वाई, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पाई बाई सिक्स, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर एट था हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू। तो लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, तो कॉस लेंगे, कॉस y इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, तो कॉस का जो रेंज होता है 0 से लेकर के π तक होता है, नेगेटिव होने के कारण ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये वैल्यू कैसे आएगी, कॉस पाई माइनस करके, और वन बाई रूट टू वैल्यू होती है पाई बाई फोर का, तो इसलिए यहाँ पे कॉस में क्या मिलेगा, 3π/4 मिलेगा, ये हो गई कॉस वाई की वैल्यू, तो यहाँ से वाई इक्वल टू हमें मिलेगा 3π/4, तो 3π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया गिवन क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास नाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। फिर से सारे का पैटर्न सबका सेम है, वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, तो कॉसेक लेंगे, तो कॉसेक वाई इक्वल टू माइनस का रूट टू, तो कॉसेक का जो रेंज था माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, नेगेटिव होने के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में एक कॉसेक में रूट टू पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस पाई बाई फोर, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के कारण डायरेक्टली निगेटिव में हो गया, हो गया कॉसेक वाई, तो यहाँ से वाई इक्वल टू मिलेगा माइनस पाई बाई फोर, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 11 की तरफ आ जाओ। 11 में देखो इसको क्या करना है, इसमें तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेना, फिर इसमें रख देना, मैं डायरेक्टली रख रहा हूं। तो टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितना था, पाई बाई फोर था, प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या थी, माइनस में 2π/3 थी, ये वैल्यू तुम वहां से पीछे से देख सकते हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। इसको पहले अलग से तीनों निकाल लेना, फिर इसमें रखना, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, कितना आएगा ये 12, तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 4, तो 4 2 जा 8π - 6 2 जा 12 12π, ठीक है, तो 8 और 3 11 में से
दो गया 9 पाई बाई 12, तो 3 से कट करो, 3 3 फोर जा 12, 3 पाई बाई 4 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी यही काम करना है तुम्हें। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो ये कॉस में हमारे पास 60 की वैल्यू होती है, ये पाई बाई 3 मिल गया, प्लस 2 इंटू ये 30 की वैल्यू थी पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 से कट करके ये आ गया 2 पाई बाई 3, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया है, तो y की वैल्यू, इसका मतलब ये साइन इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। साइन इनवर्स की वैल्यू पूछने का मतलब साइन इनवर्स का रेंज पूछ रहा है। तो अभी टेबल में तुम्हें बताया था क्या, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, तो जब टेबल में देखोगे तो इस साइन वाले में ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। बड़ा वाला ब्रैकेट लगने का क्या मतलब, ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, मतलब वाई की जो वैल्यू है मैक्सिमम पाई बाई 2 तक जाएगी और मिनिमम माइनस पाई बाई 2 तक जाएगी। तो ये वाला इसमें ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टेन इनवर्स रूट 3, अभी तुम्हें वैल्यू निकालना सिखाया, टेन 60 तो यानी पाई बाई 3, इसके बाद इसकी वैल्यू सेक इनवर्स माइनस 2 की जब तुम निकालोगे, ये निकाल करके अलग से देख लेना, 2 पाई बाई 3, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एलसीएम लेकर के माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 3 इसमें बी ऑप्शन होगा।